सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल इनोवेटिव कलाकार को और बेल आइकन दबाइए टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। खबर है कि अंतरिक्ष में मौजूद चीन का पहला अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बेकाबू हो गया है और वो कभी भी पृथ्वी पर गिर सकता है। ये माना जा रहा है कि साल के अंत तक इसके कुछ हिस्से धरती पर गिर सकते हैं। पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टेक्नोलॉजी साइंस फैक्ट्स एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहे। तो स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कलाकार में। चलिए शुरू करते हैं। इस स्पेस स्टेशन का नाम है तियानगोंग 1। चीन ने इसे 29 सितंबर 2011 को लॉन्च किया था। इस स्पेस स्टेशन का वजन 8,506 किलोग्राम है और इसकी लंबाई करीब 10.5 मीटर है। इस स्पेस स्टेशन ने अपने लॉन्च से लेकर 1 नवंबर 2017 तक पृथ्वी के 34,976 चक्कर लगाए। चीन ने इस स्पेस स्टेशन को पहले सिर्फ 2 साल के अभियान के लिए लॉन्च किया था, लेकिन 2013 में चीन ने इसे फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया। स्लीप मोड में डालने के बावजूद इस स्पेस स्टेशन से लगातार जानकारियां मिलती रहीं। 21 मार्च 2016 को चीन के स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस ने 4.5 साल की सेवा लेने के बाद इसकी डेटा सर्विस को बंद कर दिया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में अचानक इससे संपर्क टूट गया और तब से यह लगातार अपने ऑर्बिट से नीचे गिर रहा है। आइए जानते हैं अगर ये चीन का स्पेस स्टेशन गिरा तो कहाँ गिरेगा और इससे कितना नुकसान होगा, ये जानने की कोशिश लगातार हो रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस पर नजर बनाए हुए है। ईएसए के मुताबिक चीन का ये स्पेस स्टेशन कई टुकड़ों में जमीन पर गिरेगा और ये टुकड़े गिरेंगे स्पेन में, पोर्चुगल, इटली, बुल्गारिया और ग्रीस जैसे देशों में गिर सकते हैं। ईएसए के मुताबिक जब ये स्पेस स्टेशन अगले कुछ महीनों में पृथ्वी के वातावरण में घुसेगा तब इसका ज्यादातर हिस्सा जल जाएगा, लेकिन करीब 100 किलोग्राम का हिस्सा कचरे के रूप में जमीन पर गिरेगा। यही चिंता की बड़ी वजह है कि ये कचरा कहाँ गिरेगा। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही घटनाक्रम करीब 38 साल पहले भारत में हुआ था। तब लोगों ने ये मान लिया था कि अमेरिका स्पेस स्टेशन स्काई लैब के कारण उनकी मौत हो जाएगी। अमेरिका ने 1973 में स्काई लैब को लॉन्च किया था जो करीब 9 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा था और इसका वजन 78 टन था। 4 साल तक ठीक से काम करने के बाद इसने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद ये बेकाबू हो गया और ये धरती की तरफ गिरने लगा। उस दौरान ये घोषणा की गई कि स्काई लैब जुलाई 1979 में कभी भी धरती पर गिर सकता है और ऐसी आशंका जताई गई कि ये अमेरिका या भारत में से किसी एक देश में गिरेगा। इस सूचना से भारत में जबरदस्त दहशत फैल गई और कई लोगों ने मान लिया था कि अब उनके जीवन में कुछ ही दिन बचे हैं। देखते ही देखते 1979 को स्काई लैब के धरती से टकराने की नौबत आ गई। उस दिन पूरे भारत में हाई अलर्ट कर दिया गया, मगर रात की बात यही थी कि स्पेस स्टेशन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद महासागर में गिरा और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्पेस स्टेशन के बारे में। आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ डिसलाइक करें और अपने साथियों को प्लीज़ शेयर जरूर करें। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इनोवेटिव कलाकार। तब तक के लिए जय हिंद।